हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनका नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स से। प्रीफिक्स अपन को बताता है टाइप ऑफ हेट्रो एटम और सफिक्स बताता है साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग से मतलब रिंग 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है। और अब हम बात करेंगे पहले प्रीफिक्स की। देखो, यदि अपने पास हेट्रो एटम ऑक्सीजन हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सा। नाइट्रोजन हो तो हम यूज करेंगे एजा। सल्फर हो तो सल्फा। फॉस्फोरस हो तो फोस्फा। सेलेनियम हो तो हम यूज करेंगे सेलेना। याद रखना, हमें ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑक्सीजन को हम बोलेंगे ऑक्सा, नाइट्रोजन को बोलेंगे एजा और सल्फर को हम बोलेंगे सल्फा। अब यदि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दो हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, मान लो ऐसे, कितने हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं? दो हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं, तो इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? देखो, यदि हेट्रो एटम का ग्रुप नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि ग्रुप नंबर सेम हुआ तो फिर क्या करेंगे? उसका देखेंगे एटोमिक नंबर। जिस हेट्रो एटम का एटोमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट ग्रुप नंबर और लेस एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे समझो, देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है? 15 और ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16। तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हमारे पास क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब यदि हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की, तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर भी 16 और सल्फर का ग्रुप नंबर भी 16। तो अब इनमें से प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी का मतलब, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा ही है, तो हम इसको नंबर देंगे 1, फिर इस यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। और ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो इनका ग्रुप नंबर तो सेम है, लेकिन एटोमिक नंबर ऑक्सीजन का तो है 8 और सल्फर का सल्फर का एटोमिक नंबर है 16। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी इसके हिसाब से क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। अभी मैंने बताया हाईएस्ट ग्रुप नंबर और लेस एटॉमिक नंबर वाले हेट्रो एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब मैंने यहाँ 13, 14, 15, 16 ग्रुप नंबर के कुछ एलिमेंट लिखे हैं। अब इन्हें देखकर हमें बताना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी 16 ग्रुप नंबर वाले एलिमेंट की। और ग्रुप नंबर सेम होता है तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की। उसके बाद हम वापस से ग्रुप नंबर 15 पे जाएंगे, 15 पर नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कार्बन की, देन सिलिकन की और फिर बोरोन की। तो क्या हुआ ऑर्डर? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकन और बोरोन, ये हो गया ऑर्डर प्रायोरिटी का। लेकिन हमारे जो काम आते हैं वो तीन आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो आपको सिर्फ आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लेकिन आप इन तीनों को तो याद ही रखेंगे। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद नाइट्रोजन की। अब यदि रिंग में एक से ज्यादा सेम हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो दो के लिए हम यूज करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। यदि हेट्रो एटम अपना सैचुरेटेड है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और यदि अनसैचुरेटेड है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ये नाइट्रोजन कैसा है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
और ये वाला नाइट्रोजन कैसा है, सैचुरेटेड है। मैंने बोला जो हिट्रो एटम अपना सैचुरेटेड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले नाइट्रोजन से, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें अपने पास दो हिट्रो एटम है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। तो ये तो बात सही है कि नंबरिंग स्टार्ट हम हिट्रो एटम से करेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन से करेंगे या नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। मैंने जो आपको हाईएस्ट ग्रुप नंबर और लेस एटॉमिक नंबर वाली बात बताई थी वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी, ये ऑर्डर तो आपको याद करना ही है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद नाइट्रोजन की, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे निकालने तो बैठोगे नहीं कि इसका ग्रुप नंबर इतना, इसका एटॉमिक नंबर इतना, है ना। आई बात समझ में, अब तक की बात आ गई समझ में। अब हम निकालेंगे रूट वर्ड। देखो थ्री मेंबर रिंग के लिए जो IUPAC ने रूट वर्ड दिया है वो है IR। कैसे आया ये, हम तीन को ट्राई बोलते हैं, ट्राई से लिया है हमने यहां IR, ठीक है। चार को हम बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा से ये ET हमने लिया है, ET। पांच को बोलते तो हम पेंटा है, लेकिन फाइव मेंबर रिंग में जो फेमस नेम है वो है पायरोल, पायरोल से हमने लिया है OL। ऐसे ही सिक्स मेंबर रिंग में फेमस हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरिडीन, वहां से हमने लिया है IN। सेवन मेंबर रिंग में हेप्टा, EP लिया है यहां से हमने, EP। एट को क्या बोलते हैं, ओक्टा, OC। नोना, नोना से ON, और डेका, डेका से EC। तो बात आती है कि हम इन रूट वर्ड को याद कैसे रखें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखो सपोज करो ये एक टैबलेट है, टैबलेट होती है ना, इसका नाम हमने दिया है आयरिटोल, IRETOL। क्या है ये, आयरिटोल। इसको हमने एक बॉक्स में बंद किया है, ये इसको किस में बंद किया है, बॉक्स में। इसका नाम दिया है हमने इपोक। ये एक टैबलेट है जो कि एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है, टैबलेट का नाम हमने दिया है आयरिटोल और इस बॉक्स का नाम दिया है इपोक। अब ये जो बॉक्स है वो एक डब्बे के ऊपर रखा हुआ है, चॉकलेट के डब्बे के ऊपर, ऐसे एक चॉकलेट का डब्बा है, इस चॉकलेट का नाम है इक्लेयर्स, ठीक है। एक टैबलेट है आयरिटोल जिसको एक बॉक्स में रखा हुआ है वो है इपोक, और इस बॉक्स को एक डब्बे पे रखा हुआ है, चॉकलेट के डब्बे पर, उस चॉकलेट का नाम क्या है, इक्लेयर्स। तो हम ऐसे लिखते हैं आयरिटोल, IRETOL इन इपोक ऑन इक्लेयर्स, आयरिटोल इन इपोक ऑन इक्लेयर्स। IR है वो थ्री मेंबर रिंग के लिए रूट वर्ड है, ET वो फोर मेंबर रिंग के लिए है, ओल है वो फाइव मेंबर रिंग के लिए है, इन है वो सिक्स मेंबर रिंग के लिए है, EP है वो सेवन के लिए, OC एट मेंबर रिंग के लिए रूट वर्ड है, ओन नाइन मेंबर रिंग के लिए रूट वर्ड है, और इक्लेयर्स में आपको लेना है EC, ये है टेन मेंबर रिंग के लिए, ठीक है। आयरिटोल इन इपोक ऑन इक्लेयर्स। अब हम तीन टाइप के हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एक कंप्लीटली सैचुरेटेड, जैसे एक एग्जांपल ये लिया मैंने, ये क्या है, कंप्लीटली सैचुरेटेड, एक कंप्लीटली अनसैचुरेटेड जैसे पिरिडीन, और एक है पार्शियली सैचुरेटेड। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे लेके चलती हूं, सपोज यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो ये वाले कार्बन है वो कैसे हैं, सैचुरेटेड, और ये वाले जो कार्बन है वो है अनसैचुरेटेड, तो ये है अपना पार्शियली सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब हम नॉर्मल क्लीचर पढ़ेंगे तो इनकी जगह हम यूज करेंगे हाइड्रो। अभी जब हम नॉर्मल क्लीचर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी तो हमने बात की प्रीफिक्स की और रूट वर्ड की, अब हम बात करेंगे सफिक्स की। देखो यहां मैंने लिखा है साइज ऑफ रिंग, हम बात करेंगे थ्री मेंबर रिंग से टेन मेंबर रिंग तक के कंपाउंड की।
इनके लिए जो रूट वर्ड है वो कैसे दिया जाता है, आयरिटॉल इन इपोक ऑन इक्लियर्स, इक्लियर्स का ईसी, ठीक है। अब यदि रिंग में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन नहीं है, दोनों ही केस में सफिक्स हम अलग अलग यूज करेंगे, नेमिंग दोनों की अलग अलग होगी। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यदि रिंग में नाइट्रोजन नहीं है, विदाउट नाइट्रोजन। यदि रिंग में नाइट्रोजन नहीं है और रिंग फुली सैचुरेटेड है, पूरी तरह सैचुरेटेड है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एन। 3 मेंबर से 10 मेंबर सभी के लिए सफिक्स यूज होगा एन। आई आर रूट वर्ड में हम सफिक्स एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आयरेन। ऐसे ही ईटी में एन इटेन, ओल में एन ओलेन। एक बात याद रखना, 6 मेंबर रिंग में हम एन सफिक्स एन ही यूज करेंगे, लेकिन रूट वर्ड आई एन में नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट सिर्फ एन लिखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, ये है ऑक्सेन, हम आगे और बात करेंगे इस बारे में। 7, 8, 9, 10 सभी के लिए एन, मतलब रिंग में नाइट्रोजन नहीं है और वो पूरी तरह सैचुरेटेड है तो हम सफिक्स यूज करेंगे एन, सिर्फ 6 मेंबर रिंग में रूट वर्ड नहीं लगाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं रिंग में नाइट्रोजन नहीं है और रिंग अनसैचुरेटेड है। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, ये है फ्यूरेन। रिंग में नाइट्रोजन नहीं है और ये अनसैचुरेटेड भी है, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे 3 मेंबर के लिए तो ई एन ई इन, 4, 5, 6 के लिए हम यूज करेंगे ई, और 7, 8, 9, 10 के लिए आई एन ई आई एन ई आई एन ई आई एन ई। आई बात समझ में? 3 के लिए हम रूट वर्ड में जोड़ेंगे ई एन ई आई आर ई एन ई, 4, 5, 6 के लिए हम ई ई ई, देन 7, 8, 9, 10 के लिए हम आई एन ई जोड़ेंगे, ठीक है। अब यदि रिंग में नाइट्रोजन हो तो उसकी नेमिंग अलग होगी, ज्यादा अंतर नहीं है। देखो रिंग में नाइट्रोजन नहीं है और रिंग अनसैचुरेटेड है तो 3 मेंबर रिंग के लिए ई एन ई की जगह सफिक्स यूज आएगा आई एन ए, और सबके लिए सेम है, चाहे नाइट्रोजन हो या ना हो, दोनों के लिए सफिक्स सेम है, सिर्फ 3 मेंबर रिंग में ई एन ई की जगह सफिक्स यूज आएगा आई एन ई विद नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, ओके। अब बात करते हैं विद नाइट्रोजन फुली सैचुरेटेड कंपाउंड की। इसके लिए 3, 4, 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम यूज करेंगे सफिक्स इडीन, आई डी आई एन ई इडीन, रूट वर्ड में हम जोड़ेंगे इडीन आयरीडीन, ऐसे ही इटीडीन और ओलीडीन, सिर्फ 3, 4 और 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। बचे हुए 6 से 10 के लिए हम यूज करेंगे सेम एन, जैसा हमने यहां यूज किया है सेम होगा, सिर्फ 3, 4, 5 में इडीन यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहां लिखा है, 3 मेंबर रिंग है विद नाइट्रोजन है और फुली सैचुरेटेड है, इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे इडीन, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी फुली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। यदि अपना कंपाउंड पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो हम हाइड्रो यूज करेंगे, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो नोमेनक्लेचर करने में एक तो हमें ये टेबल काम आएगी, और काम आएंगे हमें सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, जो हम मैं बता चुकी, ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज करेंगे, नाइट्रोजन के लिए एजा, और सल्फर के लिए हम यूज करेंगे थाया। आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए, मैंने अभी आपको सल्फर के लिए सल्फा बताया था, सल्फा ना होके थाया है, आई एम सॉरी, आप वहां पे प्लीज इसे करेक्शन कीजिए, सल्फर के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं थाया, ओके। तो अब आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको एक टेबल भी याद हो जाएगी और आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स, तो आप मेरे साथ साथ करना, ठीक है, करें स्टार्ट, ओके। तो नोमेनक्लेचर हम देंगे प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स से। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें जो हिट्रो एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सा। कितने मेंबर रिंग है ये, 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग के लिए हम इधर देखो, हम रूट वर्ड यूज करते हैं आई आर, है ना, आई आर। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड कंपाउंड है, विद नाइट्रोजन विदाउट नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन, फुली सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन।
तो मैंने प्लस क्या करा, एन। अब इनको अपन जोड़ेंगे, तो अब जोड़ेंगे तो नेक्स्ट वाले में जब यदि वोवल आ जाएगा, वोवल के साथ वोवल आ जाएगा, तो ये वाला कैंसिल कर देंगे हम जोड़ते वक्त। तो क्या बनाइए, ओ एक्स आई आर ए एन ई, ऑक्सीरेन। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम और करेंगे और क्लियर होता जाएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स ऑक्सा, थ्री मेंबर ड्रिंक के लिए रूट वर्ड आई आर। अब ये सैचुरेटेड नहीं है, ये है अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड के लिए हम जो रूट, हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो है ईन, ईन। तो हम, मैंने यहां जोड़ा ईन, ए कैंसिल हो जाएगा, ए और आई साथ आ रहे हैं, कैंसिल हो गया, ओ एक्स आई आर ई एन ई, ऑक्सीरीन। ओके, आगे करते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, कितने मेंबर रिंग है, थ्री मेंबर रिंग है, रूट हेटरोएटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एजा, थ्री मेंबर है तो रूट वर्ड आ जाएगा आई आर। अब देखो, थ्री मेंबर रिंग है विद नाइट्रोजन है और सैचुरेटेड है, इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे इडीन। मैंने बताया था विद नाइट्रोजन फुली सैचुरेटेड है, तो सफिक्स हम यूज करेंगे इडीन। क्या यूज किया मैंने, इडीन। तो ये ए हट जाएगा और क्या बना, ए जेड आई आर आई डी आई एन ई, एजीरिडीन। ओके, अब ये देखो कितने मेंबर रिंग है, फोर मेंबर रिंग है, हेटरोएटम है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सा, फोर मेंबर रिंग है, इसके लिए रूट वर्ड क्या है, इरिटॉल, आई आर ई टी, ई टी, तो रूट वर्ड है अपना ई टी। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है बिल्कुल है, विदाउट नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है, तो हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, एन है ना, तो मैंने यूज किया एन, ये वाला ए हट जाएगा, तो क्या बना, ओ एक्स ई टी ए एन ई, ऑक्सीटेन। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। अब आगे करते हैं, एक और एग्जांपल देखो, हेटरोएटम क्या है, ओ, ओ के लिए हम ऑक्सा यूज करेंगे, कितने मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर रिंग है, देखो मैं यहां भी लिख देती हूँ एक बार, आई आर ई टी ओ एल, आयरिटॉल इन इपोक ओ निक्लियस। ठीक है, तो ये थ्री मेंबर रिंग के लिए, फोर मेंबर रिंग के लिए, और ओल है फाइव मेंबर रिंग के लिए, तो फाइव मेंबर रिंग के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे ओल, तो ऑक्सा प्लस ओल। अब देखो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, विदाउट नाइट्रोजन है, तो मैंने आपको बताया था ना, थ्री के लिए तो हम ई एन यूज करेंगे, और फोर फाइव सिक्स के लिए हम यूज करेंगे ई ई और ई। कितने मेंबर रिंग है अपनी, फाइव मेंबर रिंग है, तो हम सफिक्स यूज करेंगे ई, तो जोड़ो इसको, ये वाला हट जाएगा, ऑक्सोल। आ रही है ना बात समझ में। अब देखो एक और एग्जाम्पल, कितने मेंबर रिंग है, सिक्स मेंबर रिंग है, हेटरोएटम क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एजा। ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग के लिए रूट वर्ड क्या होगा, इन, ये थ्री मेंबर के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए। ओके, क्या है ये, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, विद नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन, विद नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए सिक्स मेंबर रिंग, देखो टेबल देखो, विद नाइट्रोजन सिक्स मेंबर रिंग के लिए सैचुरेटेड है, सॉरी अनसैचुरेटेड है, तो हम सफिक्स यूज करेंगे ई, तो मैंने ये सफिक्स यूज करा ई, तो क्या बन गया ये वाला, ये तो हट जाएगा, ए जेड आई एन ई, एजीन। आई बात समझ में। अब हम और एग्जांपल्स करते हैं, आप एक काम करो कि रजिस्टर में वो टेबल बना के रखो, फिर एग्जांपल करो, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देखो, अभी हमने एक हेटरोएटम वाले एग्जांपल किए थे, अब इसमें है अपने पास दो हेटरोएटम, तो इसमें हमको करनी होगी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर था ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की, फिर नाइट्रोजन की, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग ऑक्सीजन से, वन टू और थ्री, वन और थ्री पोजिशन पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और नाइट्रोजन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एजा। फाइव मेंबर रिंग के लिए जो रूट वर्ड है वो क्या होता है, ओल। अब ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, फाइव मेंबर रिंग है, चाहे नाइट्रोजन हो या ना हो, दोनों के लिए हम जो
सफिक्स यूज करते हैं वो क्या है, ई है, क्योंकि अंतर सिर्फ थ्री मेंबर रिंग में आता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, ई एन ई और आई एन ई का, ठीक है। तो हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ई। तो जोड़ो इसको, ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ए, है ना, ओ एक्स ए जेड ओ एल ई 1,3 ऑक्सा जोल। आई बात समझ में? अब आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये ना तो पूरी तरह सेचुरेटेड है और ना ही अनसेचुरेटेड, ये है पार्शियली सेचुरेटेड, क्योंकि इसमें ये वाले कार्बन तो कैसे हैं, सेचुरेटेड, और ये वाले कार्बन अनसेचुरेटेड है। तो अब हम इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे? तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से सेचुरेटेड कार्बन पास हो, मतलब ऐसे नहीं हम नंबरिंग करेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें जो नंबर मिल रहा है सेचुरेटेड कार्बन को 2, 3, 4, 5 और इसमें 5, 6, 7, 8, तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से, ठीक है। तो जहां पर अपने सेचुरेटेड कार्बन है उसकी जगह हम लगाएंगे हाइड्रो, 2, 3, 4, 5 पर क्या है, सेचुरेटेड कार्बन 2, 3, 4, 5 कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा हाइड्रो, ठीक है। हिट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एजा। कितने मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं, देखो ओसी ओक प्लस। अब देखो ये कंपाउंड अपना पार्शियली सेचुरेटेड है, जहां पे कार्बन अपने सेचुरेटेड थे वहां हमने यूज किया हाइड्रो। अब हम जो इसमें सफिक्स यूज करेंगे वो ही यूज करेंगे जो हम सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज करते थे, क्योंकि सेचुरेटेड कंपाउंड की कार्बन की जगह तो हमने हाइड्रो लिख दिया है। तो अब हम इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए जो हम यूज करते हैं। तो 8 मेंबर रिंग के लिए विद नाइट्रोजन क्या है, आई एन, तो हम प्लस आई, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो, ये ए यहां से कैंसिल होगा, तो एजो काइन। आ रही है बात समझ में? अब एक और एग्जाम्पल देखो, इसमें सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है मैथिल ग्रुप। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम हमेशा हिट्रो एटम से स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2 और 3, तो 3 मैथिल। कितने मेंबर रिंग है ये, 6 मेंबर रिंग है, और नाइट्रोजन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एजा प्लस एजा। 6 मेंबर रिंग के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं आई एन ओके। और अब ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, तो ये है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं 6 मेंबर रिंग अनसेचुरेटेड विद नाइट्रोजन ई, है ना, तो प्लस ई, तो क्या बनाइए, 3 मैथिल, ये ए हट जाएगा, एजीन। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप कुछ नई बातें भी सीखेंगे। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। थैंक यू।